मैडी और बाकी मूर्ख बैंगर्स में फर्क है, मैडी अपने आगे जो रखती है वो सारा खा जाती है, सब खत्म कर लेती है भाई। पूरी ईमानदारी से खाती है मैडी, खाने के लिए पैदा हुई है वो। सोचो जितना इसने ये खाया है, इतना खाने के बाद इसको कब्ज हो जाए। मुझे तो अब इनकी हेल्थ का उतना डर नहीं लगता जितना इनके टॉयलेट का डर लगता है। मैं कह तो रही हूँ इनकी एक रोटी एक निवाले के बराबर में होती है, तभी इनको कोई अपनी शादी में नहीं बुलाता। बेचारे बरातियों को भूखे जाना पड़ जाता क्योंकि इनके लिए अलग प्लेट नहीं अलग टेबल लगवानी पड़ती भाई। और सिर्फ एक टेबल नहीं, इन मुकबैंगर्स के लिए अलग अलग टेबल लगाए जाते, एक टेबल स्टार्टर्स का, एक टेबल मेन कोर्स का, एक टेबल डेजर्ट का, तब कहीं जा करके इनको पेट भरता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमारे नॉर्मली फूड डिलीवरी बॉयज बाइक से आते हैं, इनके यहाँ क्रेन से जाते होंगे। इतना सारा खाना बाइक पर कैसे लेके जाएगा बेचारा है? बात तो सही है। इनके घर में खाना इनकी मम्मी नहीं हलवाई बनाने आता है। मम्मी थक नहीं जाएगी इतना खाना बनाते हुए? और इतना ही नहीं, इनके खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसको पैक करवा के पाकिस्तान भेजा जाता है। और हमें तो बचपन से सिखाया गया ना कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जरूरतमंद को दे देना चाहिए, तो इसीलिए देश बदल रहा है।